सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका देशी भक्ति यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज के राशिफल के बारे में। जानिए क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं आज का सुविचार। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। न किस्सों में है और न किस्तों में है, जिंदगी की खूबसूरती चंद सच्चे रिश्तों में है। आपका दिन शुभ हो। आज का पंचांग 25 नवंबर दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, शुभकृत संवत्सर मार्गशीर्ष द्वितीया तिथि रात के 10:35 तक उपरांत तृतीया, नक्षत्र ज्येष्ठा शाम के 5:21 तक उपरांत मूल, करण बालव दोपहर के 12:07 तक बाद कौलव रात के 10:35 तक बाद तैतिल, नवंबर 25 शुक्रवार को राहु सुबह के 10:53 से दोपहर के 12:13 तक है, शाम के 5:21 तक चंद्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय सूर्यास्त का समय, सूर्योदय सुबह के 6:51, सूर्यास्त 5:36 PM। मिथुन दैनिक राशिफल। आप जल्द ही लंबे समय से चली आ रही बीमारी से उबरकर पूरी तरह सेहतमंद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुदगर्ज और कुसैल इंसान से बचें जो आपको तनाव दे सकता है और आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए आज अच्छी नहीं है। आज के दिन आपको अपने धन को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। आप अपने बच्चों से कुछ सबक सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह व उत्साह के बल पर औरों में बदलाव ला सकती है। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हैं उन्हें आज मनमाफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक आज अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्यक्षेत्र में कर सकते हैं। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो जीवन साथी के साथ आज का दिन आपकी जिंदगी के सबसे रोमानी दिनों में से एक हो सकता है। चंद्रमा आज आपके आर्थिक पक्ष में सुधार ला सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े मिथुन राशि के लोगों को पिता की सलाह से आज के दिन फायदा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से इस राशि के लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। अगर मीडिया, फैशन इंडस्ट्री या कला के क्षेत्रों में काम करते हैं तो आज के दिन आपके काम को नई पहचान मिल सकती है। आज के दिन यदि आप सही क्षेत्र में पैसों को निवेश कर देंगे तो भविष्य में यह आपके लिए सहायक हो सकता है। घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होने की भी संभावना है। उपाय, शुक्राय नमः का 11 बार उच्चारण करने से हेल्थ अच्छी रहेगी। आज भाग्य 84% तक आपके साथ रहेगा। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी अपने भविष्य के बारे में पता चली होगी। इसलिए यह जानकारी अपने तक ना रखें, इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।